चार साल बेवी साल हर जगह दिल्ली में पोस्टर चिपका हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जितना पैसा आपके लिए जो केजरीवाल सरकार है वो प्रचार प्रसार में लगा रही है, और उनके पतन कौन से एडवाइजर है, सलाहकार हैं, अगर वो सलाहकार ही लगता है केजरीवाल साहब को भ्रमित कर रहे हैं या उनकी अपनी बुद्धि क्या है भगवान जाने, नहीं समझ में आ रहा। इतना करोड़ रुपया वो प्रचार में खर्चा कर रहे हैं और उनका मूलभूत आवश्यक जो चीज़ें आवश्यकताएँ हैं उस पर अगर वो ध्यान दें तो जनता तो इस हद तक पहुँच गई है कि अगर उसके नाली उसके एरिया में साफ हो जाती है तभी कहते हैं चलो सरकार ने बहुत खुशी है। अब इतने भी काम नहीं होंगे, आप मेरे यहाँ नाली देख ही रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जब 2014 में इलेक्शन हुआ था दोनों विधायक जी पुष्कर साहब और सब लोग घर में आके बैठते थे, जब चाय पिलाए हमें भी लगा कि स्वराज आ रहा है, लेकिन वो स्वराज तो हमें लगता है कि ऐसा छलावा था कि वो तो कहीं दिखा नहीं है स्वराज। अब आप हमारी गली की व्यवस्था देख ही रहे हैं, इतनी नरक हो गया है कि पानी निकासी का साधन नहीं है, आधा काम हुआ सीएच का वैसे ही पड़ा हुआ है और कोई आता नहीं, विधायक को दूर निगम पार्षद की क्या बात करें, कोई एक प्रतिनिधि तो आम आदमी का देखते नहीं है। वो डेंगू का हुआ था कुछ, डेंगू चिकनगुनिया का, तो चार लोग जो है नाली के जो है डेंगू उड़ा के घरों में पहुँचाने आ गए थे। और जहाँ तक चार साल बेमिसाल की बात है, आपने 1000 इलेक्ट्रिक बसों की बातें सुन ली, हम नहीं सुन ली है, एक बसें आई नहीं नीचे है, अब क्या कहें। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्ट है जो लोगों को पता नहीं, मैं भारत की सबसे बड़ी MSME इंडस्ट्रीज के नॉर्थ इंडिया में मैं उपनिदेशक हूँ। मैं आपको एक इंडस्ट्री की हालत बताएंगे तो आप बहुत दयनीय स्थिति में चले जाएंगे कि अभी आप वाटर बिल उठा के देखिए, लोग सर्वे नहीं करते, चार साल पुराने अगर आप चीज देखेंगे तो जो वाटर बिल आ रहे थे जो ठीक है मीटर के बिल में कमी आई, लेकिन जो फिक्स चार्ज है वो बढ़ा दिया। तो आप मीटर बिल की तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे बड़ा छलावा तो मीटर बिल में है। फिर इसके बावजूद भी हम अगर आम आदमी के सपोर्टर हैं और हम बिजली में कंप्लेन करते हैं तो ये बता के हम लोग के साथ दुर्व्यवहार होता है, अरे ये तो आम आदमी का है, DRC वाले सुनते नहीं, NDPL वाले सुनते नहीं। और धन उगाही का तो ये चक्कर आया है कि जो सामान्य काम भी मीटर के होने थे और जो मीटर डिस्प्लेसमेंट के काम होने थे वो सारे रुके पड़े हैं। दूसरी बात आप कहते हैं जल समस्या है, जल प्रदूषण है, भाई साहब आपकी गवर्नमेंट में रैम्पेंट करप्शन है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, 12 14 16 कनेक्शन लोग ले रहे हैं पानी के, कोई 5000 रुपये जो आपने वेव ऑफ किया था उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं है कि वो कनेक्शन लें, तो आप किस व्यवस्था के बेमिसाल की बात करते हैं। चार साल तो हमारे ऐसा लग रहा है, बेमिसाल वर्ड तो बड़ा उचित नहीं लग रहा है, चार साल तो घोर अंधकार का समय है और हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी समय पूरा हो और यह बेमिसाल वाला जो अंधकार जो है हटे, कोई दूसरी पार्टी आए और हम कुछ हमारा उद्धार करें। सीमापुर विधानसभा में आपके विधायक जी कहते हैं कि हमारी निगम में सरकार ने इसलिए सफाई नहीं करा। हाँ देखिए, ये तो कहने की बात है, बहुत छोटी 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 बातें हैं, आप जो करा सकते हैं वो आप करा रहे हैं, जो आपके अपने हक में है वो आप करा रहे हैं। आपको पता है लोगों में इतना गुस्सा टेंशन हो गया कि बात बात पर झगड़ा करने लगे हैं। अभी एक पर्यावरण की रिपोर्ट आई है उसमें बता रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण रात में दुगना हो जाता है, उसके लिए आपने क्या किया, चार साल तक आपकी बसें ही आ रही हैं। तो मेरा तो आपसे कहना है कि देखिए, दिल्ली सरकार के पास स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, दिल्ली सरकार के पास जो अपनी चीज़ें हैं उसमें क्यों नहीं काम करती। हम तो कहते हैं कि आप एक स्वस्थ अपोजिशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन उस स्वस्थ अपोजिशन की क्या बात आप करेंगे जब वो आप खुद ही कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आपका जो है परिवहन घोटाला इतना बड़ा है आपके पास, है ना, और जल का तो सबसे बड़ा है कि आप देखिए 12 14 15 15 कनेक्शन मीटर ले रहे हैं बिना कनेक्शन के, तो इसका क्या कहेंगे आप कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहे, आपके लोग आ नहीं रहे। आप कहते हैं कि भैया ठीक है हमारा वोट बैंक तो बना हुआ है, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आपके विवेक अगर हो आपके पास तो आप विवेक का इस्तेमाल करें, इन दिनों में भी कुछ कर लें तो शायद आपके भला हो। नहीं, पिछले चार साल से यहाँ पर कितना काम हुआ तो पता, चार साल से हमारे एरिया में तो हमें तो नहीं लगता है, लोग कहते थे शीला दीक्षित ने करप्शन किया, ठीक है शीला दीक्षित ने करप्शन किया लेकिन उसी पैसे में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बने, है ना। अब दूसरी सरकार जो है जो MCD की बात है, MCD में कहते हैं हमारे यहाँ से तो कांग्रेस के निगम पार्षद हैं तो वो उनको बहुत पैसा डाला गया तो पूरी सफाई करा रहे हैं, नाली कहते हैं हमारा जिम्मा नहीं है क्योंकि
की नाली में सीवेज का काम नहीं हुआ है तो नालियां इतनी बद से बदतर स्थिति में पहुंच गई कि हम लोग तो डरते हैं कि हमारे यहाँ बरसात ना आए। अगर बरसात आ जाएगी तो हमारे ख्याल से केजरीवाल साहब हेलीकॉप्टर से भी नहीं आ सकते हमारे घर तक। अब ऐसे तो उनको दो दो विधायक भी हमारे